वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, दुनिया के ये सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं आप लोगों के सामने। अगर इन डॉक्टर के पास आप लोग जाओगे तो जो रियलिटी वाला डॉक्टर है उससे आप लोगों का पीछा छूट जाएगा। ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर आप लोगों को एक तरीके से फ्री में मिलते हैं, इसके लिए आप लोग कुछ पे नहीं करना है। पर लेकिन उस वाले डॉक्टर के पास में अगर जाओगे तो आप लोगों की जेब काट काट के इतनी छोटी हो जाएगी कि आप लोग अपने आप को लाइफ में ऐसा फील करोगे कि यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ही लाइफ में है। तो अगर उन सब दिक्कतों से बचना है, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और इसी के साथ में अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ में अपने गोल को अचीव करना है, तो इन डॉक्टर के पास आप लोगों को डेली जाना चाहिए। एक दिन नहीं, डेली आप लोगों को इनसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी इंसान अगर रेगुलर अपने काम को करता रहता है तो उसको एट द एंड ऑफ द डे मंजिल मिल ही जाती है। पर लेकिन लोग क्या करते हैं, उसमें कोताही बरतने लगते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन करने लगते हैं। आज थोड़ा सा और सो लेते हैं, आज एक्सरसाइज रहने देते हैं, आज एक रोटी और ज्यादा खा लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ही लाइफ के साथ में करप्शन कर रहे हैं। तो इस करप्शन को रोकिए और अपनी लाइफ को इन डॉक्टरों से मिलाइए और अपनी लाइफ में फिर चमक देखिएगा। सबसे पहला जो डॉक्टर है, सूरज की रोशनी। डेली आप लोगों को सूरज की रोशनी चाहिए, डेली आप लोगों की बॉडी को, क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है उस तरीके से बनी है। अगर सूरज की रोशनी आप लोगों को मिलेगी तो सही तरीके से आप लोगों की बॉडी में जो भी आप लोगों ने खाया वो प्रॉपर में पच पाएगा, आप लोगों की स्किन अच्छी रहेगी, प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है यहां पर वो विटामिन डी की आप लोगों की कंप्लीट हो पाएगी। तो सूरज की रोशनी में मिनिमम ये आप लोगों को 20 से 25 मिनट डेली सूरज की रोशनी में बैठना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा 20 से 25 मिनट डेली, खासकर उनके लिए जो एक तरीके से कुछ ऐसी सोसाइटीज वगैरह में रहते हैं या फिर कहीं एक तरीके से नहीं कि रूम में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है बिल्कुल भी। पूरी नींद, जो भी नींद आप लोगों को कंफर्टेबल करती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मैं आप लोगों को बोलूं 4 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है। पर हाँ, कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग एक यंग जनरेशन के बच्चे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 6 से 7 घंटे मैक्सिमम आप लोग नींद लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। कई सारे बोलेंगे 8 घंटे 9 घंटे, देखिए वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि 8 घंटे से पहले आप लोगों का काम चलता ही नहीं है तो फिर आप लोग उसको 8 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन उसको आप लोग घटा भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है हमारी एक ऐसी है कि इसकी क्लॉक होती है, उसको जहां पर चाहे आप लोग सेट कर सकते हैं। जैसे जो मेरी जो बॉडी क्लॉक है, जो सोने की जो मेरी घड़ी है, वो लगभग 5 से 6 घंटे के बीच घूमती रहती है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग थोड़ा सा, जैसे कि दिन में आप लोग क्या करिए, एक पावर नैप ले लीजिए 15 से 20 मिनट का, तो ये आप लोगों को दिन में रिफ्रेश कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। नियमित व्यायाम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको लाइफ में आप लोग पार्ट बना लेंगे तो ये समझिए आधे से ज्यादा बीमारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। पूरे दिन अगर आप लोग मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपने आपके पूरे दिन एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो ये नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। आप लोगों का जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रखेगा। जैसे ये डाउन आता है तुरंत आप लोगों को जवाइयां आने लगती है, सोने का मन करता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो वो चीजों से अगर आप लोगों को बचना है, रेगुलर काफी लंबे समय तक बैठ के अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए। एक ये भी यार, देखिए ये तो काफी खतरनाक चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं होता है। जरा सा आप लोग देखिए, जरा सा किसी चीज में टेस्ट आया, ये मन करता है कि अगले दिन का भी आज ही खा डालो, ये सही तरीका थोड़ी ना है। कहीं शादी में जा रहे हैं ऐसा मन करता है, कई सारे ऐसा मतलब कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है, बस प्लेट में भर लेंगे धड़ाधड़, पता नहीं ये खत्म हो जाए बाद में मिल लेना। अरे पहले उसको तो खा लो, फिर दूसरा खा लेना लेके, फिर उसको क्या करेंगे, जब खाने जाता है फिर प्लेट खिसका देंगे जो भी वहां पर रखा होता है किसी टेबल वेबल के नीचे। तो ये कंडीशन सही नहीं है, अपने खाने पर नियंत्रण रखो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है और कितना खाएंगे तो आप लोगों की बॉडी सही रहेगी। ये नहीं है कि फ्री का मिला तो बस चपड़ा दो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अबे खाना तो फ्री का है, पेट तो अपना ही है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखो। अगर कहीं भी शादी में जा रहे हो या कहीं पार्टी में जा रहे हो या कहीं भी, आप लोगों को अपनी डाइट का नियंत्रण होना चाहिए और यही चीज आप लोग घर पर भी इंप्लीमेंट करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कितनी रोटियां आप लोगों को खानी है, ठीक है, जिससे आप लोगों का काम चल जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें लीजिए, जैसे कि फल फ्रूट्स वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे कि दूध वगैरह हो गया या मट्ठा वगैरह, दही वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग पी सकते हैं एक्स्ट्रा, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे, ठीक है। जैसे कि ये सारी चीजें एक बैलेंस डाइट आप लोगों की बनाएगी, ठीक है, इसको अपना पार्ट बनाकर चलिए। और अगर ये सारी चीजें प्रॉपर में चलेगी तो ये पांचवा ना आप लोगों को रूंगे में मिल जाएगा। कहते नहीं थे गांव में कि भैया एक सामान ले लिया पुराने टाइम में, थोड़ा रूंगा दे दो। अगर आज की डेट में बोले तो जैसे गोलगप्पे खाने के बाद में पपड़ी मिलती है ना, कि फ्री में पपड़ी खा लो यार एक, ठीक है, या एक गोलगप्पा एक्स्ट्रा दे दो फ्री में, तो ये आत्मविश्वास आप लोगों को फ्री में मिलेगा और ये आप लोगों को उस लेवल पर लेकर जाएगा जो आप लोग करना चाहते हैं। तो रियलिटी में अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो ये 5 डॉक्टर हैं, इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए और फिर अपनी जिंदगी का मजा देखिए।
लिखिए। अच्छा, कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिनमें से आप लोगों ने अपनी लाइफ का पार्ट बना रखा है, और कितने हैं इसमें से किसी ने एक पार्ट बना रखा है, किसी ने दो, किसी ने तीन। तो आप लोग बताइए आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, आप लोग अपना बेसिकली जो शेड्यूल है उसमें इन पांच को इंक्लूड करके चलते हैं या फिर नहीं, या फिर पांच में से किस किस को इंक्लूड करके चलते हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज है संडे, संडे को फंडे बना दी हम लोगों ने, थोड़ा सा स्टडी डे भी बना लेते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को रिवीजन भी रखना है पूरा अपना, रिवीजन 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 रिवीजन, इतनी बार बोल चुका हूं ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर ये आप लोग छोड़ दोगे तो फिर आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। तो रिवीजन करने का एक पूरा प्रोसीजर आप लोग रखिए, कैसे कैसे आप लोगों को रिवीजन करना है। अगर कुछ भी पढ़ लिया है लगभग 24 आवर के अंदर उसको एक बार पढ़िए ही पढ़िए, ये आप लोग एक बार पार्ट बना लीजिए 24। वैसे तो देखिए जो पैटर्न होता है, फर्स्ट डे पढ़ो, थर्ड डे पढ़ो, सेवन डे पढ़ो, 14 डे पढ़ो, इस तरीके से पैटर्न चलता है। पर लेकिन नॉर्मली आप लोग थर्ड डे वाले को अगर आप लोग हटाना चाहते हैं तो 7 डे पर आप लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जितना आप लोग रिवीजन कर सकते हैं उतना आप लोग रिवीजन कीजिए, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। रिवीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। डेली दो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं उनके तो सैल्यूट है, संडे में भी आप लोग जो उठ रहे हैं, क्योंकि संडे में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि निठल्ले लोग छुट्टियां मार जाते हैं, तो संडे में आप लोग छुट्टी नहीं मान रहे हैं। और एक और छोटी सी बात जो कई सारे बच्चे बोले कि सर संडे में थोड़ा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो संडे में वो डिफरेंट क्या होना चाहिए अगर आप लोगों से पूछू तो उसके बारे में आप लोग क्या सजेशन देना पसंद करेंगे वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज की डेट में हमारी कंट्री से जो बाहर लोग रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिनको आप लोग बोलते हैं, उनके वोटिंग राइट के बारे में बात की जा रही है, तो उनको किस तरीके से वोटिंग राइट दिए जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि बोला गया कि क्या किस तरीके से इसको लेकर चलना है, किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से जो वोटर हैं करंटली हमारी कंट्री में वोट कर रहे हैं एनआरआई वाले, कैसे यहां पर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारी कंट्री में फॉलो की जा रही है, इसी के साथ में ETPBS क्या है ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जो फैसिलिटीज है ये अक्रॉस द कंट्री हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ कंट्री में अलाउ नहीं कर सकते हैं, और ये कितना वायबल ऑप्शन है, ये सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। और फिर हम लोग जानेंगे कि एक तरीके से कि जिस तरीके से जो चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, क्या अभी कोई ऐसा उदाहरण है जिसने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है, ये बात की जा रही है कि आज के डेट में जो आईटीज हैं उनमें टीचर्स की कमी चल रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि हु इज द, यहां पर एक तरीके से बोला गया हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि कौन यहां पर रिक्रूटमेंट करता है। इसी के साथ में फिर हम लोग जानेंगे कि डिफिकल्टी क्यों आ रही है जो अच्छे कैंडिडेट मिलने में, आखिर क्यों यहां पर दिक्कत है, ठीक है। फिर यहां पर आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जो सिलेक्टिंग कमेटी है वो किस तरीके से काम करती है, उनको क्या चाहिए। इसी के साथ में जानेंगे कि एक कमेटी बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी और गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इसके बारे में, तो फिर ये बात यहां पर की जा रही है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ओके। तो आइए पहले वाला आर्टिकल जानते हैं, और फिर एक जो आर्टिकल है छोटा सा वो PVT है यहां पर, जो कि आप लोगों को जानने को मिलती है हमारी कंट्री में, खासकर जब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करते हैं एनआरआई के बारे में। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर अपनी कंट्री छोड़कर बाहर गया है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ से, और 6 महीने से ज्यादा टाइम तक अगर वो रह चुका है तो उसके राइट के बारे में क्या क्या प्रोविजन थे और अब क्या क्या प्रोविजन करने की बात की जा रही है, तो उनको हम लोग जानेंगे। इलेक्शन माना जा रहा है कि अभी यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोजल किया है कि कैसे इसको पॉसिबल किया जाए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है, यानी कि जिनको NRI हम लोग बोलते हैं, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा जाए, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बाहर की कंट्री में आज के डेट में रहती है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो 27 नवंबर को जो लास्ट महीना था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया हमारी कंट्री की लॉ मिनिस्ट्री को, और बोला गया कि ये जो एक्सटेंडेड की जा सकती है फैसिलिटी जो पोस्टल बैलेट की होती है, जो कि खासकर हमारी कंट्री में जो ओवरसीज और नॉन रेजिडेंट जो इंडियन रहते हैं असेंबली इलेक्शन में उनको अलाउ करना चाहिए, जैसे कि आसाम, केरला, पुंडीचेरी और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 2021 में अभी हाँ यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। आसाम में इलेक्शन हो गए, केरला में, पुंडीचेरी में, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, इसलिए जहां जहां इलेक्शन है आप लोगों ने देखा होगा वहां वहां गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जब हम लोग शहर में आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वही गर्मी यहां पर थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसी गर्मी के बारे में बात की जा रही है, गर्मी कैसे उतारी जाएगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर अभी जो NRI है उनको भी यहां पर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं 2021 का जो इलेक्शन होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं। बाकी क्या यहां पर आर्टिकल में वो भी ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है उसको आप लोग रेक्टिफाई कीजिएगा कि सही था या फिर गलत था और क्या चीजें हो सकती है इसके लिए। और क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं,
आप लोगों से आंसर राइटिंग के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है यहां पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल किसके अंदर आती है, 324 के अंदर यहां पर ये आर्टिकल में आती है। तो ये काम क्या करती है, इसके द्वारा बोला गया कि यहां पर प्रपोज किया गया इलेक्शन कंडक्ट कराती है नॉर्मली तो, पर अभी फिलहाल प्रपोज किया गया कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल जो 1961 का है उसके अंदर आप लोगों को अमेंड यानी कि चेंज यानी कि संशोधन करना पड़ेगा, ताकि ये जो फंडा है यानी कि जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री के उनको यहां पर अलाउ किया जा सके। तो पोस्टल जो बैलेट है यहां पर एक तरीके से वो जो है वो एनआरआई के लिए यहां पर अलाउ करने की बात की जा रही है। तो लो मिनिस्ट्री जो है अभी इस पे रेस्पॉन्ड करेगी प्रपोजल पे कि इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये जो अथॉरिटी आ गई यहां पर ये लो मिनिस्ट्री के अंडर में आ गई है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर बात करें हाउ कैन ओवरसीज वोटर करेंटली वोट इन इंडियन इलेक्शन, यानी कि आज की डेट में जो हमारी कंट्री के जो बाहर लोग रहते हैं अपनी कंट्री के इलेक्शन में कैसे वोट कर सकते हैं आज, पहले ये जानते हैं। ये क्वेश्चन है पहला। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर 2010 से पहले की हम लोग बात करते हैं, इंडियन सिटीजन जो थे जो एलिजिबल थे वोट करने के लिए इलेक्शन के अंदर में हमारी कंट्री में, अगर वो 6 महीने या फिर उससे ज्यादा है, अगर वो किसी कंट्री में बाहर रह चुके हैं 6 महीने या फिर 6 महीने से ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से वो बाहर चले गए हैं, तो उनको अलाउ नहीं था, नॉट हैव बीन अलाउड टू वोट इन इलेक्शन, इनको इलेक्शन में वोट डालने के लिए अलाउ नहीं किया गया था 2010 से पहले। तो आप लोगों के माइंड में चक्षु खुल गए होंगे कि क्या यार 2010 के बाद में तो कुछ हुआ होगा। अब जानते हैं क्या क्या हुआ है। यहां पर बोला गया कि ये एक तरीके से इसलिए था क्योंकि एनआरआई जो है एक तरीके से उनकी जो नाम थे वो डिलीट कर दिए गए थे यहां पर हमारी कंट्री में, जो कि इलेक्ट्रोल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर मोर देन 6 मंथ से अगर रहता है तो उसको इलेक्ट्रोल से डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद में हमारी कंट्री में एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010। ये जो एक्ट किया गया इसने एनआरआई को एलिजिबल कर दिया कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, अगर आप लोग 6 मंथ या उससे ज्यादा बाहर रह रहे हैं फिर भी आप लोग वोट डाल सकते हैं, पर लेकिन कंडीशन क्या कि पर्सन को पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालनी पड़ेगी जहां पर वो इनरोल है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वहां से आए, अपना रिजर्वेशन कराए, अपनी फ्लाइट पकड़े और तुरंत आए और यहां पर वोट डाले, यानी कि अगर वो यूएसए में है तो तुरंत आके वोट डाल के जाए। तो ये बात बोली गई। अगर इसके बारे में बात करें तो कितना फिजिबल है, कोई आएगा इस तरीके से लाखों रुपए लगाकर यहां पर आए और फिर उसके बाद में जाए, ये कंडीशन अपना टाइम भी देखे, तो कितना इंपोर्टेंस हम लोग देते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई रियलिटी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देता है तो फिर जाकर जरूर वोट डालेगा, पर लेकिन जिसको लगता है यार फालतू में होना जाना कुछ है नहीं है, ये क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है जाके, मैं क्यों फालतू में अपना नुकसान करूं, तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे भी हैं। बाहर से तो दूर की बात आप लोग छोड़िए, जिस दिन वोट डलती है उस दिन बोलते हैं यार आज की तो छुट्टी मिल गई एक्स्ट्रा, चलो आज घूम के आते हैं कहीं, ठीक है, पार्टी करते हैं। तो यानी कि उसको पार्टी की तरीके से लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं वही लोग, फिर जब इलेक्शन में जीतने के बाद में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उनकी पसंद का नहीं होता है, फिर पूरे 5 साल उसको गाली देते हैं, यार पता नहीं कौन कैसा आ गया, ये नहीं देखते कि उस टाइम पर वोट नहीं डाली थी, अब तुमको हक नहीं है यहां पर इनको गाली देने का। तो जो भी आप लोगों ने सर पे बैठा रखे जिनको आज के डेट में गाली देते हो, आज की डेट में वही वो लोग हैं जो आप लोगों ने अपने सर पे अपने आप बैठाए थे, तो हक नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो आप लोगों उनके खिलाफ कुछ बोलने, क्योंकि वो आप लोगों के ही एक मखोटा है, आप लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव है वो, ये बात यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो काम कैसे कर रही है, अभी फिलहाल ये माना गया कि हमारी कंट्री में अगर देखें 11,840 के करीब जो ओवरसीज वोटर हैं जिनके द्वारा रजिस्टर किया गया था 2014 में, पर लेकिन 2019 में ये 11,000 बढ़कर सीधे 1,00,000 हो गए, तो जो वोटर की संख्या थी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ी। और इसी के साथ में जो 90% के करीब ये सारे वोटर थे ये अकेले राज्य से आते हैं, केरला से। केरला हमारी कंट्री का एक ऐसा राज्य है जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है और यहां से जो लोग हैं बाहर काम करने बहुत सारे जाते हैं, और खासकर गल्फ कंट्री में तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पोलिंग बूथ पर विजिट कर आप लोगों को वोट डालने का अलाउ करना, तो ये कितने हद तक सही है, तो ये तो वही हो गई कि हाथ लगी पर मुंह ना आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि एक तरीके से मुंह तक चीजें नहीं पहुंची, रोटी तो मिल गई पर लेकिन मुंह में नहीं खा पाए उसको। तो इसी के चलते अभी जो विंटर सेशन देखने को मिला था 2017 में, गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया कि रिमूव किया जाए जो रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 20A के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत, कि फिजिकली प्रेजेंट आप लोगों को वहां पर होना है, तो इसको यहां पर चेंज करने की बात की गई। पर लेकिन ये जो बिल था ये पास किया गया उस टाइम पर, ये कि इसने पहले तो ये जाने की अलाउ क्या किया गया, बिल में प्रोविजन ये किया गया कि आप लोगों का प्रोक्सी कोई आप लोगों की जगह वोट डाल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि जैसे आप लोग क्लास में जाते नहीं थे यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा मेरी प्रोक्सी लगा देना, तो वही प्रोक्सी की बात की जा रही है कि आप लोगों की जगह कोई आप लोगों के बिहाफ में वोट डाल सकता है, आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ये बिल ये लैप्स हो गया, पहले तो पास तो हो गया यहां पर एक तरीके से, बिल जो था वो लेटर पास हो गया, पर लेकिन जो डिसोल्यूशन हो गई लोकसभा में उसकी वजह से ये लैप्स हो गया, यानी कि लोकसभा जो थी यहां पर ये खत्म हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्शन में तो यहां पर जो डिसोल्यूशन हो गया 16th लोकसभा का, तो उसके चलते यहां पर चीजें वहीं पर ही रुक गई। अच्छा प्रेजेंट कौन सी लोकसभा है जरा आप लोग बताइए, तो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है अभी हमारी कंट्री में।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया गया गवर्नमेंट को कि बोला गया कि परमिट किया जाए एनआरआई को वोट डालने के लिए वाया पोस्टल जो बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है यहां पर ये ऑलरेडी यूज किया जाता है हमारी कंट्री में। जो सर्विस वोटर हैं, सर्विस वोटर कौन से होते हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं पर वोट डालने जाते हैं, वहां पर कई सारे बंदूकधारी हमारी कंट्री के जवान खड़े मिलेंगे, तो वो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। अब जिस टाइम पर वोटिंग डाली जा रही है उस टाइम पर तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी वोट कैसे डाली जाएगी, तो उसके लिए प्रोविजन किया जाता है कि आप लोग अपनी वोट जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के थ्रू भेज सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसके थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो क्या है ये ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखनी है, और कैसे फंक्शन करती है इसको जानते हैं। हमारी कंट्री में जो इलेक्शन रूल है 1961 के, वो अमेंड किए गए 2016 में, और उनको बोला गया कि जो अलाउ किया जाए जो सर्विस वोटर है हमारी कंट्री में उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू वोट देने का हक दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका समझ लेते हैं। इस सिस्टम के तहत होता क्या है, इस सिस्टम में आप लोग क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट आप लोगों को सेंड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली टू रजिस्टर द सर्विस वोटर, यानी कि जो आप लोग अगर रजिस्टर करते हैं जिस सर्विस वोटर की, हम लोग सर्विस कर रहे हैं, हम लोग वोटर हैं, हमको अपने वोट डालना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट की जाएगी आप लोगों का जो वोटिंग है, और आप लोग क्या करना है, जो सर्विस वोटर है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। डाउनलोड करने के बाद में वो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा अपना जो मैंडेट होगा यानी कि जिसको उस लोगों को वोट देना है, और फिर उसको सेंड कर देगा अपने रिटर्निंग ऑफिस में, यानी कि जो भी आप लोग का रिटर्निंग ऑफिसर है उसको सेंड कर देगा आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी मेल, जो नॉर्मल मेल नहीं भेजते आप लोग उसके थ्रू यहां पर उसको सेंड कर देगा ऑर्डिनरी मेल के थ्रू। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को हक मिला हुआ है, अगर सर्विस में है तो ऑर्डिनरी मेल के थ्रू आप लोग अपनी वोट दे सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर एक डिक्लेरेशन भी देखने को मिलेगा, जो डिक्लेरेशन होगा ये डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा वोटर के द्वारा जो अपॉइंटेड सीनियर ऑफिसर है, उसके चलते यहां पर इसको साइन किया जाएगा ताकि आप लोगों की वोट जो है वो प्रॉपर पता चले कि आप लोगों ने ही वोट डाली है, कोई और मिसयूज उसका नहीं कर रहा है। और ये जिस दिन वोट काउंट की जाएगी उसके 8 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंचनी है रिटर्निंग ऑफिसर के पास में, जिस दिन यहां पर काउंटिंग का रिजल्ट आना है, ठीक है, तो डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ रिजल्ट, तो वहां पर पहुंचनी है, क्योंकि उसके बाद में पहुंचने का कोई मतलब भी नहीं हो जाता है। तो वो ये एग्जाम देने गए, एग्जाम का टाइम निकल गया, आप लोग वहां पर लेट पहुंचे तो फिर क्या फायदा, वहां पर फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले पहुंचना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर प्रोविजन है। जो ये फैसिलिटी अभी जो हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के जवानों को मिल रही है, वही फैसिलिटी अभी यहां पर बोली गई कि ओवरसीज वोटर को भी दी जाए। ओवरसीज वोटर को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अमेंड करने की बात की जा रही है यहां पर। ये क्या है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ठीक है, जो कि ओनली सर्विसेज के लिए है। तो इसके चलते जो एनआरआई वोटर हैं वो क्या कर पाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसका यूज कर पाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर को, पर उनको 5 दिन पहले उनको यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिस दिन नोटिफिकेशन आता है। यानी एक तरीके से जैसे नोटिफिकेशन आता है रिटर्निंग ऑफिसर एटलीस्ट 5 डे बिफोर आफ्टर नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन आता है 5 दिन के अंदर अंदर उनको यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को ऐसे वोट डालनी है, हम लोग वहां पर नहीं आ पाएंगे, तो आप लोग कुछ सॉल्यूशन बताओ ताकि हम लोग अपने वोट का अधिकार यूज कर सके। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, उनको इनको इलेक्ट्रॉनिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मेल नहीं भेज देते हैं उस तरीके से उनको ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली जो बैलेट पेपर है ये बेसिकली सेंड करते हैं यहां पर। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसफर पोस्टल बैलेट ये इनके तक पहुंचता है ETPBS जिसको आप लोग बोलते हैं। और एनआरआई क्या करते हैं, एनआरआई वोट रजिस्टर करता है अपनी और अपना मैंडेट जो है वो बैलेट जो प्रिंट आउट है यहां पर वो सेंड करेगा बैक टू द अटैच्ड डिक्लेरेशन जो उसमें लगा होगा, उसको डिक्लेरेशन भी करेगा कि हां भैया हम ही हैं ये जो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे सर्विस वोटर करता है तो उस पर भी वहां पर अटैच होगा। और ये फिर क्या करेगा, ये यहां पर ये देखें यहां पर क्या है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, यहां पर अगर कोई फॉरेन में रह रहा है तो वो कैसे काम करेगा फिर, ठीक है। तो यहां पर केस जो बोली जा रही है, सीनियर ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा डिप्लोमेट्स होगा कोई हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का उस कंट्री में, या फिर काउंसलर होगा रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है जो वोट है वो कैसे होगा, यानी कि रिटर्निंग जो ऑफिसर है यहां पर उसको ड्रॉप करेगा वो इंडियन काउंसलर को, या फिर अपना कंसिडर किएगा कि उसको वाया जो भी एक तरीके से जो एक तरीके से जो नहीं नॉर्मल तरीके से, एक तो हो गया, देखिए समझिए यहां पर पहले वाले में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेल से ऑर्डिनरी मेल से आप लोगों को सेंड करना है, तो यहां पर भी वही बहुत बोली गई है, पर इसमें क्लियर नहीं किया इन्होंने कि अपना बैलेट इनको ऑर्डिनरी पोस्ट से रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना है या फिर इनको जो इंडियन काउंसलर है एम्बेसी है वहां पर उनको ड्रॉप करना है। तो इसके बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी गई है, पर इस फैसिलिटी को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात बोली गई यहां पर, जो
फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी क्या ऑल कंट्री में जहां पर हमारे हमारे लोग रहते हैं, तो क्या वहां तक इसको पहुंचाया जा सकते हैं? तो देखिए यार, अपनी कंट्री में हम लोग ये काम अगर इंप्लीमेंट करें तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे पास में इसके लिए ऑथोरिटी है। अब दूसरी कंट्री में वो क्या काम करेंगे, तो उस कंट्री में क्या अलग हो सकता है कि उस कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड हो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो उस कंट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले तो पता चला वो अलाउ नहीं करते इस फंडे को, तो वहां पर हम लोग अपना एक्सटेंड नहीं कर सकते फैसिलिटी, लेकिन जहां पर अलाउ करते हैं वहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिकेट किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बोला गया कि वोटिंग जो इंट्रोड्यूस की जाए सबसे पहले उन एरिया में जो खासकर पायलट बेसिस पर जो नॉन गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो पहले वहां पर अलाउ करके देखो जहां कम लोग रहते हैं। तो जस्ट के आप लोग नहीं कहते कि पहले जान लेते हैं एक बार कि हाँ क्या फंडा चल रहा है। तो इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछा है अभी हमारी कंट्री में लॉ मिनिस्ट्री से कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है पोस्टल बैलेट की ओवरसीज जो सिटीजन है उनके लिए, उसको लेकर चलिए कौन कौन सी कंट्री में अलाउ किया गया, कौन कौन सी कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड और कौन कौन सी कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। तो पोस्टल बैलेट वाया जो पोस्टल बैलेट है यहां पर एक तरीके से वायबल मीन है वोटिंग का। आप लोग अगर इसको देखें तो यहां पर ETPBS जो मेथड है यहां पर वो अलाउ करेगा ग्रेटर टर्नआउट, यानी कि जो लोग वोट डालना चाहते हैं, एक तो है कि डालना नहीं चाहते हैं कि डालना चाहते हैं अमंग सर्विस वोटर, तो वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर उसका इंपैक्ट 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला। तो इसी के चलते क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको अलाउ किया जा सकता है, क्या इसको कोई एक्सेप्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। आप लोगों को पता है आज के डेट में हर कंट्री के सिटीजन किसी न किसी कंट्री में जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, काम के लिए, फिर कोई और काम के लिए, तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंस। इसके द्वारा यहां पर जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर बोला जाता है कि ओवरसीज इंडियन को अलाउ करना चाहिए अपने वोट का राइट जो है उसको यूज करने के लिए, क्योंकि कोई अलग आज की डेट में यूएसए के अंदर बैठा है इंडिया के अंदर वोट डालना है, आज की डेट में चाइना के अंदर बैठा है इंडिया के अंदर वोट डालना है, रशिया के अंदर बैठा है इंडिया के अंदर वोट आना है, तो इस तरीके से यहां पर उसका हक है, वो काम करने गया, रेमिटेंस भेजता है भैया कंट्री में, तो कंट्री में काफी फायदा उसका देखने को मिल रहा है, तो उसको अपने हक का यूज करना चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए। तो पोस्टल बैलेट जो है क्या वो सही है, क्या उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये सही तरीका है पोस्टल बैलेट का? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का पत्ता इसी से तो कटा है, पोस्टल बैलेट अभी जो यहां पर अलाउ किया गया कोविड 19 के चलते, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहते हैं और अपने घर से निकलकर आना नहीं चाहते हैं, तो पोस्टल बैलेट यहां पर यूज किया गया, ये यहां पर काफी अच्छा एक उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं अभी जो यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ऐसा ऑलरेडी अभी हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बाइडेन चुनकर आ गए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो निकल लिए। और हाँ, इसी के काफी इंटरेस्टिंग कार्टून था वो जो ट्विटर पर आप लोगों ने देखा था, वो मतलब एक बच्चे के द्वारा यहां पर वो शायद किसी ने टैग किया था मुझे, ठीक है, तो वो मैंने रीट्वीट किया उसको, तो वहां पर दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में चल रहे हैं वहां पर, मतलब बातें कर रहे हैं, उनको उठाकर गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया पर लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो ये वो पर्सन है, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है पोस्टल बैलेट जो मैकेनिज्म है वो अलाउ करती है कि एक तरीके से जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यहां पर मिल सके, जिसके चलते जो काउंसलर है फिर एम्बेसी है उसके थ्रू आप लोग चेक करा सकें, और इफेक्टिव पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो एक तरीके से प्रोसीजर को ईज करने का भी काम करेगा एनआरआई के लिए। तो इसके चलते जो भी आप लोगों को लगता है कमियां खामियां है तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर आना है, जिसके चलते जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम लग सकती है उनको एक दूर कीजिए, और जो एलिजिबल है उसको यहां पर अपना राइट होना चाहिए अपना वोटिंग वो यूज कर सके। तो ये था कंप्लीट यहां पर आर्टिकल, आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल अगर कोई पूछता है तो एक एक पॉइंट माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है, यहां पर IIT में रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें रिजर्वेशन की जब बात करते हैं खासकर टीचर के रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो आखिर टीचर के लिए रिजर्वेशन के लिए इतना पंगा क्या बढ़ गया कि यहां पर इतना ज्यादा न्यूज में आ गया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए, एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में ओनली 7 के करीब IIT हुआ करते थे, आज की डेट में हमारी कंट्री में कितने IIT हैं? अच्छा, आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कमेंट बॉक्स में, कितने IIT आप लोगों को लगते हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में? 5, पहले 7 थे, आज के डेट में 10, 20, 30, 40, कितने IIT हैं आप लोगों के हिसाब से? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब फिलहाल आज के डेट में हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर लीजिए, अब आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में वो काफी लार्ज नंबर पर फैकल्टी की जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर कोटा बढ़ा दिया गया है जो IITs का। आज के में बोला जा रहा है राइटर के हिसाब से कि 23 IIT है हमारी कंट्री में, ठीक है, अगर करंटली आज के डेट में आप लोग बात करते हैं जो कि 2008 से लेके 2017 तक जिनको ओपन किया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वीकर सेक्शन को भी अभी स्टूडेंट यहां पर एक तरीके से रिजर्वेशन मिला है, ऑलरेडी अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन यहां पर 50% जो बेसिकली कैपेसिटी बढ़ा दी गई है अभी यहां पर
जिसके चलते बहुत सारे बच्चे नए आए अभी, तो इसके चलते अभी टीचर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट टू जो टीचर यहां पर अभी रेशियो है वो काफी कम हो गया है प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट से टीचर कितना रेशियो होना चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर जब बताऊंगा तो देखिएगा। तो स्टूडेंट टू टीचर जो रेशियो यहां पर कम हो गया क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टरेल की डिग्री यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी टीचिंग में एंट्री के लिए। मिनिस्ट्री जो यहां पर बात की जा रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो उसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर लेकर चलना है। देखिए, आज की डेट में अगर इनकी जो डिग्री के हिसाब से माने तो यहां पर एक टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, एक सेकंड, यहां पर देखिए उसके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, सुपीरियर एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए और हायर रिसर्च जो उसकी उपलब्धियां होनी चाहिए। ठीक है, तो अकम्प्लिशमेंट जो होनी चाहिए उसकी उपलब्धियां वो हायर होनी चाहिए टीचिंग के लिए, तो वही पर्सन यहां पर टीचर बन सकता है। तो अगर इस कैटेगरी को, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करके चलें तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं या फिर और भी बहुत सारे जो लोग आज के डेट में ओपन मीडियम पर पढ़ा रहे हैं, क्या वो एक अच्छे टीचर नहीं है? एक से एक टीचर पढ़ा हुआ है यार आज की डेट में, अगर देखेंगे जिस तरीके शानदार तरीके उनके पढ़ाने के। पर लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होगा कि उनके पास पीएचडी की डिग्री होगी, मेरे पास भी पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं, मैं पढ़ा नहीं सकता हूं? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हर्डल लगा देंगी। अगर कल को मेरा मन करता है कि आईआईटी में जाकर बच्चों को पढ़ाना है तो आई एम नॉट एलिजिबल पर्सन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टैलेंट तो है पर लेकिन उसके सामने हर्डल अड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस लेवल के टीचर यहां पर आने चाहिए, पर लेकिन उसके लिए उनको द्वारा एक क्राइटेरिया रखा गया है। पर लेकिन ये क्राइटेरिया सही भी है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे जो कि पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ से वहां पर पहुंचे कि हाँ आईआईटी में तो बड़ी अच्छी फीस मिलती है यार, लाखों में टीचर कमाते हैं शानदार तरीके से, तो वो भी एक सही हर्डल है, कम से कम ये इतनी मेहनत कर यहां पर पहुंचेगा। पर लेकिन इस हर्डल के चलते हमारी कंट्री में जो आईटीज जो कि सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं एजुकेशन के फील्ड में, वहां पर आज की डेट में टीचर की कमी पड़ गई है काफी ज्यादा है। तो रेस्पॉन्सिबल कौन होता है रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो दो पॉइंट याद रखिएगा यहां पर, एक तो यहां पर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये दोनों में कॉमन है, यहां पर भी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहां पर भी है रिजर्वेशन इन, रिजर्वेशन इन ये भी कॉमन है, एडमिशन जो बच्चों का एडमिशन होता है उनके लिए और जो टीचर्स जो कैडर है उसके लिए बात की जा रही है। तो पहले वाला बच्चे पहले आएंगे बाद में टीचर आएंगे, ठीक है, यानी कि क्लास में भी आप लोग देखिए बच्चे पहले जाके बैठ जाते हैं ना, तो इसलिए पहले बच्चों वाला एक्ट है फिर टीचर आ रहे हैं बाद में, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो इनका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2016 के हिसाब से और सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर, तो यहां पर ये जो है बेसिकली 2019 के हिसाब से ये एक इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अब यहां पर कई सारे बेनिफिशियरी देखने को मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इन सबको यहां पर एडमिशन प्रोवाइड कराया जाना है, काफी लार्ज स्केल पर सीटें बढ़ाई गई हैं, तो जो टीचर की जो कमी है वो काफी ज्यादा आज के डेट में खल रही है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो डायरेक्टर है आईआईटी के जिनका नाम है वी राम गोपाल राव, याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बोला जाएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सी कमेटी अभी बनाई गई है जिसके चलते जो टीचर की एक तरीके से क्वांटिटी है वो उनको बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि स्टूडेंट से टीचर का रेशियो जो है वो मेंटेन रखा जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें तो दो सॉल्यूशन इनके द्वारा दिए गए हैं, पहला सॉल्यूशन तो यह है रिजर्वेशन को फेंको गड्ढे में, रिजर्वेशन काम नहीं करेगा यहां पर, क्योंकि अगर रिजर्वेशन आप लोग लगा के रखेंगे तो उस लेवल के टीचर आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो आप लोगों ने देख लिया आगे भी नहीं मिलेंगे, और अगर टीचर ही अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर क्या आईआईटी रह जाएगा, तो आईआईटी कुछ नहीं रहेगा वहां पर, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से कीजिए ताकि टीचर के अंदर कम से कम आप लोग एक बेहतरीन क्वालिटी के टीचर ला सके, तो रिजर्वेशन वहां से हटा दीजिए ताकि कोई भी आकर इसके लिए अलाउ कर सके जो पर्टिकुलर क्वालिटी रखता है, तो यहां से रिजर्वेशन हटाइए आप लोग। और ये खासकर नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है फॉर इंपोर्टेंस, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री को आगे लेकर चल रहे हैं उसमें आप लोगों ने इसको अभी हटाया है, तो यहां पर भी आप लोग इसको हटाइए क्योंकि हमारी कंट्री में नेशनल इंपोर्टेंस के ये इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि डी रिजर्व कर देना चाहिए, अगर आप लोग प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं हटाना चाहते तो एक साल के लिए आप लोग उसको रखिए, एक साल के अंदर मान लीजिए कोई पोस्ट निकाली 500 टीचर की पोस्ट निकाली, 500 पोस्ट निकाली एक साल के लिए रिजर्वेशन रखिए, अगर वो पोस्ट नहीं फिल हो पाती है तो यहां पर उनको फिर डी रिजर्व कर दीजिए, यानी कि कोई भी आकर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये दो रिकमेंडेशन दी गई जिन पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला, नॉर्मल सी बात है रिजर्वेशन एक काफी सेंसिटिव मुद्दा है हमारी कंट्री में, चाहे कहीं पर भी ना हो तो ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, तो ऐसी रिएक्शन यहां पर देखने को मिली। तो बोला जा रहा है कि वाई इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड ए कैंडिडेट इन रिजर्व कैटेगरी, ये डिफिकल्ट क्यों है कि ये कैंडिडेट हम लोगों को मिल जाए रिजर्व कैटेगरी में, आखिर ऐसी डिफिकल्टी क्यों आ रही है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। आखिर सही टीचर क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिर ऐसी कंडीशन क्या है यहां पर, तो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें देखने को यहां पर चीजें मिली कि देखिए आज के डेट में जो इंस्टीट्यूशन है ना आईआईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री के लिए तो फायदेमंद है, ये आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए फायदेमंद है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल हो गए, कई सारी कंट्री हो गए,
उनकी कंपनी में बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट, हमारी कंट्री से बहुत सारे नासा के अंदर साइंटिस्ट, तो ये हमारी कंट्री के लिए नहीं ग्लोबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आजकल में जो क्वालिटी रिसर्च जो की जाती है। आजकल में जैसे आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके द्वारा भी ये बोला गया कि मैं तो अपना फिर से जाकर अपना जो टीचिंग करता था वही कर रहा हूं मैं तो स्टडीज का। मतलब ये कि ह्यूज फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है फॉरन कंट्री में टीचर को, कि जो बेहतरीन क्वालिटी का टीचर है वो वहां पर आकर रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारी कंट्री में गजेटेड ऑफिसर को फैसिलिटी दी जाती है तो वो फैसिलिटी वहां पर टीचर को दी जाती है, तो इस तरीके से बहुत सारे टीचर निकल जाते हैं यहां से। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें अच्छी क्वालिटी के टीचर इसलिए भी नहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है हमारी कंट्री में फैसिलिटी ज्यादा है, अप टू द मार्क नहीं है, और जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है आईआईटीज में, तो उसके लिए इनके द्वारा ये क्राइटेरिया रख रखे, तो कई सारे लोगों के पास में ये क्राइटेरिया नहीं होते हैं तो इसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हर्डल निकल कर आता है। तो सेलेक्टिंग कमिटी के द्वारा यहां पर जो कैंडिडेट है वो टीचिंग को फिल करने के लिए, तो इसकी वजह से यहां पर इसको बढ़ाने की बात की जा रही है जिसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में जो टीचर और फैसिलिटी का, जो टीचर और फैकल्टी का जो रेशियो है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से कि हर 10 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। पहले यह था कि हर 6 बच्चे पर एक टीचर था, पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए ये 12 से भी ऊपर हो चुका है, यानी कि टीचर की संख्या घटती जा रही है और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग आजकल में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना जो बेसिकली ग्रेजुएशन करते हैं अपना उसको लेकर चलते हैं आगे, कोई भी टीचिंग वाले लाइन में नहीं आना पसंद करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये यहां पर बोली गई है। तो इसके चलते आप लोगों को समझना पड़ेगा टीचर के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री में जो ये कमेटी बनाई गई है राम गोपाल राव की अध्यक्षता में, इनके द्वारा बोला गया कि 2 साल का रिसर्च एंड असिस्टेंस जो फुल्ली फंडेड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा प्रोग्राम चलाइए जिसमें जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो पीएचडी होल्डर या फिर इस तरीके से आना चाहते हैं, जो खासकर टीचिंग को लेकर काफी पैशनेट है वो काम करना चाहते हैं तो वो यहां पर आ सके, जिनके अंदर पैशन है टीचिंग को लेकर तो वो आना चाहते हैं तो वो यहां पर आ सके। तो इसके चलते यहां पर कंडीशन क्या रहेगी, तो गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा एक तो ये बोला गया फेवर है कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए टीचिंग में, जैसे कि दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो हमारी कंट्री में नेशनल के लिए इंपॉर्टेंस है, पहला तो ये बोला गया। दूसरा ये बोला गया अगर रिजर्वेशन 2 तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो ऐसा है कि पूरे आईआईटी के अंदर रिजर्वेशन है, ठीक है, दूसरा ये आईआईटी में डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्वेशन है कि हाँ इस रिजर्वेशन का ये पर्सन यहां पर इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तो उसके चलते जो डिपार्टमेंट वाला रिजर्वेशन है कह रहे हैं कि कम से कम उसको हटा देना चाहिए, पूरे आईटी के अंदर रिजर्वेशन रखे पर लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जिसके चलते एक डिपार्टमेंट में टीचर मिल जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में टीचर नहीं मिलते हैं। तो दूसरा ये यहां पर आइडिया है जो कि आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी, यस या फिर नो, या फिर कोई भी डाउट है तो लिखा जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। ये जो न्यूज है यहां पर ये ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो कि कपड़े नहीं पहनती है, बिल्कुल नंगे रहते हैं, हम लोग को देखने में और लगेगा क्योंकि हम लोग जो है एक सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग कपड़े पहनकर रहते हैं, पूरी बॉडी हमारी ढकी रहती है, पर लेकिन सोचिए अगर आज के डेट में आप लोग किसी पर्टिकुलर पक्षी को देखते हैं क्या वो कपड़े पहने रखता है, किसी पर्टिकुलर अगर आज के डेट में आप लोग देखिए जैसे गाय भेड़ बकरी क्या ये कपड़े पहने रखती हैं, तो ये बिना कपड़े के रहती हैं, तो हम लोग को इसलिए थोड़ा सा ओड नहीं लगता है, पहले लोग जो थे वो भी ऐसे ही रहा करते थे। तो आज के डेट में अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी अगर कहीं पर कोई रह रही है अगर वो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ जो ये है, तो इसमें हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को नेचुरली रखना पसंद कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमारी कंट्री में कोई संविधान है, हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इनको फॉलो करना चाहिए, वो एज ए नेचुरल तरीके से जैसे कोई पर्सन आता है उसके तरीके से वो रह रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमारी कंट्री में एक आइलैंड है अंडमान निकोबार वाले एरिया में जिसको बोलते हैं सेंटिनल आइलैंड, तो सेंटिनल आइलैंड को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर उसको एक्सप्लोर किया गया तो यहां पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको बहुत नुकसान यहां पर हो सकता है। पहले आप लोग ये सेंटिनल आइलैंड एक बार देख लीजिए कहां पर ये लोकेट है, ये है अपना गोला और अपने ही गोले पर ई है अपना सेंटिनल आइलैंड, तो यहां पर हम लोग इसको जब जूम करेंगे तो ई आपको देखने को मिलेगा सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। ये देखिए आइए आप लोगों को घुमा के चलता हूं, पूरा लेके चलता हूं, सुबह सुबह आप लोगों को अंडमान निकोबार की सैर करा के लेके आता हूं, एग्जैक्ट आप लोगों को ले जाके उतारूंगा बिल्कुल जंगलों के अंदर, ठीक है, डर लगे तो बता देना वापस ले आऊंगा, ओके। तो यहां पर ये हो गया साउथ अंडमान, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देख रहे हैं यहां पर, तो इसके बराबर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये पर्टिकुलर आइलैंड, तो ये है यहां पर आइलैंड जिसको आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये कोस्टल एरिया है। तो ये जो पूरा आइलैंड आप लोगों को यहां पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है
ये यहां पर है नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड, तो इसके ऊपर यहां पर इसको यहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज के डेट में यहां पर देखने को मिलती है, घने जंगल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं के अंदर चीजों को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। तो ये यहां पर आसपास वाले एरिया में कई बार घूमते रहते हैं कोस्टल एरिया में, और अगर कोई जाता है तो इनको ये लगता है कोई बाहर का प्राणी आया है, तो ये क्या करते हैं अपने हथियारों से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कई बार, तो इसके चलते कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, तो ये पूरा इनका एरिया हो गया, ये पूरा जो यहां पर आप लोग मैप के थ्रू यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जंगलों से भरा हुआ है, तो यहां पर ये कोस्टल एरिया होता है, अगर कोई यहां पर जाता है तो उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो इसी के बारे में आप लोगों को जानने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन था, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी। नाम क्या था उसका? जॉन एलन चाऊ। ये जॉन एलन चाऊ जो था यहां पर ये बोला था कि मैं इन जो लोग यहां पर रहते हैं ये अनगाइडेड है, मैं इनको गाइड करूंगा और इनको रिलीजन के बारे में समझाऊंगा, इनको गॉड के बारे में बताऊंगा। तो ये बह गया अपनी बोट से यहां पर, तो यहां पर इनके द्वारा ये धनुष बाण से इसकी जान ले ली गई, इसके ऊपर अटैक करके। ये यहां पर नंगे घूमते हैं बिल्कुल कंप्लीटली, तो इनको लगता है कि बाहर से अगर कोई ऐसा प्राणी आ रहा है तो इनको ये लगता है कि वो हमारे लिए खतरा है। तो ये है यहां पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये हो गया अंडमान निकोबार वाला। नॉर्मली अगर अंडमान निकोबार जाते हैं तो आप लोगों की फ्लाइट जो है पोर्ट ब्लेयर पर जाकर रुकेगी, तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर घूमने भी जाते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है हमारी कंट्री में, जहां पर जाने से मना किया जाता है। पर लेकिन अगर यहां पर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्सप्लोरेशन का कोई प्रोग्राम लेकर आती है तो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी जिनको बोलते हैं, ये वो ट्राइबल ग्रुप है। एक तो नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप है, उसके भी अंडर जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जिसको ये पता ही नहीं है कि हमारा कंट्री आजाद हो चुका है, हमारा कंट्री कभी किसी कंट्री के गुलाम था, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने एरिया में रहते हैं और उसी को लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिकली जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जब यहां पर बातें बताई गई, तो अगर ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो ये काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि उनके खुद के राइट हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं, वो अपने तरीके से रहना पसंद करते हैं, और उनके जो राइट हैं वो बोला जा रहा है कि यहां पर ये इटर्नल है और सैक्रोसेंट यानी कि अनंत और पवित्र है, आप लोग उनकी जो जिंदगी है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते अपने किसी पर्टिकुलर कमर्शियल गेन के लिए या फिर स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए, तो उनको टच मत कीजिए, ये बोलने की बात की जा रही है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है जिसको पीवीटीजी आप लोग बोलते हैं, ये एक तरीके से पहले इसको प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से हम लोग जानते थे, जिसको हमारी कंट्री में एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसका नाम था यहां पर देबर कमीशन, ठीक है। तो देबर कमीशन 1960 से लेकर 1961 के द्वारा, इसके द्वारा बोला गया कि विद इन द ट्राइबल ग्रुप और ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटी और ज्यादा जो दिक्कत फेस कर रही है उसको आप लोग फोकस देकर चलो, जैसे नहीं रिजर्वेशन दीजिए तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दो, ताकि सही लोगों तक चीजें पहुंच सके। आज की डेट में भी प्री एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग उस तरीके से होनी है, मारकर खाना जो भी एक तरीके से जीव जंतु हैं, फल फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ठीक है, कोई लिटरेसी लेवल न होना, वो सारी 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप को, एक तरीके से इसको प्रिमेटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का नाम देना, ठीक है। तो ये ग्रुप यहां पर आप लोगों के सामने है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर सजेशन ये कि इस एरिया में जाकर कोई भी ऐसी हरकत गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए जिससे इनकी जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का भूचाल आए, इनको अपनी जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से एंजॉय करने दो, उसमें इंटरफेयर न करो, तो ये काफी फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई हैं, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी सुझाव है तो जरूर बताइए, और आज जो एथिक्स का क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा और फेसबुक पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फेसबुक पर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक सारे वीडियो के नीचे आंसर राइटिंग वाला जो ग्रुप है उसके अंदर में। वैसे मेरे साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं अगर यहां पर आप लोग हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। आज कुछ नया सीखने को मिला है या फिर नहीं, अगर सीखने को मिला है तो ये चीजें तो जरूर इंप्लीमेंट कर लीजिएगा यार, कम से कम ये चीजें लाइफ में कौन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है ये जरूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।